हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 7 देखेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया, यानी एक ठेकेदार जो है उस 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया है। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया और काम शुरू किया कितना व्यक्ति लेकर के, 110 व्यक्ति को। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। देखिए, ठेकेदार वाला क्वेश्चन के लिए कैसे पढ़ेंगे, यानी ठेका लेता है तो क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो पहले ध्यान दीजिए कि ठेका कितना दिन का लिया गया है। ठेका कितना दिन का है, 100 दिन का। यानी एक ठेकेदार जो है उस सड़क बनाने के लिए कितना दिन का ठेका लिया है, 100 दिन का, ठीक है। और आदमी कितना यूज किया है, यानी आदमी कितना लगाया है, तो पहले लगाया है 110। देखिए, 110 व्यक्ति काम करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसको पता चला 45 दिन में उसने देखा कि 1/4 भाग ही बन पाया है। यानी 110 व्यक्ति जब काम पर लगाया तो 45 दिन काम हो गया, यानी 100 दिन में 45 दिन काम हो गया, तो उसने देखा कि काम का 1/4 भाग ही हो पाया है। यानी जितना टोटल काम था उसका 1/4 भाग ही हो पाया है। तो पहले जितना भाग हो पाया उसका कीजिए। देखिए, 110 व्यक्ति काम किया तो 1/4 भाग काम हुआ, लेकिन कितना दिन में, 45 दिन में। तो हम लोग कहेंगे 110 व्यक्ति 45 दिन काम हुआ, तो काम कितना हुआ, 1/4 भाग। तो एक तरफ लिखेंगे जितना काम हो गया उतना। अब करा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। देखिए, समय पर काम खत्म कर देना है। तो ठेका था 100 दिन का, जिसमें 45 दिन काम करा चुका है, ठीक है। 100 दिन में 45 दिन काम करा चुका है, तो अब उसके पास कितना समय बचल होगा, तो उसके पास समय कितना होगा, 100 - 45 यानी 55 दिन। 55 दिन काम बचा, 55 दिन का समय बचा हुआ है। अब 1/4 भाग काम हो गया तो काम कितना बचा हुआ होगा, तो टोटल काम होता है 1, तो 1 का 1/4 भाग हो गया तो बचा कितना, 3/4। यानी 1/4 का शेष कितना बचा, 3/4 करा। और कितना व्यक्ति को काम पर लगाना होगा, तो पहले था 110 व्यक्ति, और कितना व्यक्ति आ जाए, तो मान लीजिए 110 व्यक्ति में एक व्यक्ति और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 110 + 1 व्यक्ति। तो 110 + 1 व्यक्ति 55 दिन काम करता है, तो 3/4 भाग काम खत्म होगा। और 110 व्यक्ति 45 दिन काम करता है, तो 1/4 भाग काम होता है। दोनों का कीजिएगा, बराबर कर देना है। और यहां से सॉल्व कर दीजिएगा तो निकल जाएगा x का मान। देखिए, नीचे 4 से 4 कट जाएगा, यहां से इसको कटेगा तो 11 + 5 = 55, इसको कटेगा 9 + 5 = 45, इसको कटेगा 11 - 110। देखिए, 3 जो है इसमें गुना हो जाएगा, तो 9 + 27 = 10, 270। 270 में से 110 घटाइए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 270 - 110। तो x बराबर कितना हो गया यहां से, 160। 270 में से 110 घटाएगा कितना, 160। यानी 160 व्यक्ति को और काम पर लगाना होगा, तो काम क्या होगा, सही समय पर समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन आ रहा है, बी नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। देख लीजिए, 100 दिन का ठेका था, उसके लिए 110 व्यक्ति काम पर लगाया, 45 दिन में 1/4 भाग ही हो पाया। तो पहले जितना काम किया है, तो 110 व्यक्ति 45 दिन काम किया तो 1/4 भाग हुआ। तो ये एक तरफ लिखे। अब x व्यक्ति और काम पर लगा दिए तो कितना हो गया, 110 + x व्यक्ति। और शेष काम कितना दिन के लिए बचा हुआ है, तो 100 दिन का ठेका में 45 दिन काम हो चुका है, तो 55 दिन का बचा हुआ काम, तो 55 दिन। काम कितना बचा, 3/4, तो काम नीचे लिखना है। और दोनों को बराबर करके x का मान आ जाएगा, वही आ जाएगा व्यक्तियों की संख्या, यानी और कितना व्यक्ति को जोड़ा गया है, तो 160 व्यक्ति को। आंसर हो गया 160। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। देखिए, सड़क बनाने के लिए ठेकेदार कितना दिन का ठेका लिया है, 40 दिन का। बोला कि हम काम को 40 दिन में कर देंगे, यानी सड़क को 40 दिन में बना देंगे। और 25 आदमी काम पर लगाया। देखिए, 40 दिन में सड़क बनाने के लिए कितना व्यक्ति से काम स्टार्ट किया है, तो 25 व्यक्ति से, यानी काम चालू किया 25 व्यक्ति। लेकिन 24 दिनों के बाद पता चला उसको केवल 1/3 काम, 1/3 सड़क बनी है। यानी 25 व्यक्ति 24 दिन काम किया होगा, 24 दिन,
तो काम कितना हुआ, एक तिहाई यानी 1/3, यानी 25 व्यक्ति 24 दिन काम किया तो 1/3 भाग काम हुआ। अब आगे, तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अभी से 4 दिन पहले ही बन जाए, यानी 40 दिन का जो सड़क बनाना था वो 40 दिन में नहीं बनाना है, कितना दिन, 4 दिन पहले ही। तो देखिए 40 में से 4 लगा करना, 36 दिन में बना देना है। तो देखिए 36 दिन में वो भी 24 दिन काम हो चुका है, तो बताइए कि और कितना आदमी काम पर लगा जाए। तो 25 आदमी पहले था, एक आदमी और लगा दीजिए, तो कितना हो गया 25 + x, ठीक है। अब 1/3 काम हो गया तो कितना बचा है काम, 2/3, 2/3, यानी 1/3 का शेष कितना हो जाएगा, 2/3। बताइए समय कितना बचा हुआ है, देखिए 40 दिन में 24 दिन हो चुका है, तो बचा कितना दिन यहां से, तो यह 16 दिन, और 16 दिन में फिर 40 दिन और पहले ही बना देना है, 40 दिन पहले ही बना देना है, 16 में 4 दिन और पहले बना दीजिए, कितना दिन, 12 दिन, यानी 12 दिन में काम करना है। दोनों का जगह बराबर, यानी 25 आदमी 24 दिन में 1/3 भाग काम करता है, तो 25 + x व्यक्ति 12 दिन में 2/3 भाग काम करेगा। दोनों का जगह बराबर बराबर, देखिए 3 से 3 यहां कट जाएगा, इसको कटेगा, और 2 × 6 = 12 यहां कट जाएगा, 6 × 4 = 24, 25 × 100, 100 में से 75 घटाइएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, अरे 100 में से 25 घटाएगा कितना हो जाएगा 75, यानी 75 व्यक्ति को और लगाना होगा, तब काम क्या होगा 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करने के उद्देश्य से 12 लोगों को नियुक्त करता है। देखिए एक ठेकेदार जो है एक काम को समाप्त करने के लिए 12 लोगों को नियुक्त किया, लेकिन काम को कितना दिन में समाप्त करना है, 10 दिन में, ठीक है। काम कितना दिन में, 10 दिन में, यानी कह सकते हैं कि एक ठेकेदार जो है वो एक काम को 10 दिन में खत्म करने के लिए ठेका लिया है, लेकिन काम को कितना व्यक्ति से स्टार्ट किया है, 12 लोगों से, यानी 12 व्यक्ति से, देखिए 12 व्यक्ति काम करना स्टार्ट किया, तो वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में संपादित होता है, यानी का 12 व्यक्ति जब काम करना स्टार्ट किया है तो 6 दिन में, यानी 12 व्यक्ति 6 दिन में कितना काम, आधा काम किया है, आधा काम किया है 12 व्यक्ति 6 दिन में आधा काम किया है। तो यहां से ठेका को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्त आदमियों की संख्या होनी चाहिए, अतिरिक्त यानी 12 व्यक्ति से और कितना ज्यादा जोड़ा जाए, तो मान लीजिए 12 व्यक्ति पहले था, एक व्यक्ति और काम पर लगा दिया, कितना हो गया 12 + x। अब सही समय पर काम खत्म होना चाहिए, देखिए 10 दिन में खत्म करना था, यहां 6 दिन काम हो चुका है, तो काम कितना दिन बचा होगा, 10 - 6 यानी कितना दिन, 4 दिन। और काम कितना बचा होगा, तो 1/2 काम हो गया है, तो शेष कितना हो जाएगा, 1/2, देखिए 1/2 क्या हो जाएगा, यहां से कट जाएगा। अब यहां से काट लीजिए तो 4 + 12, तो 6 + 18 में से 12 घटेगा, एक्स बराबर 6, यानी 6 व्यक्ति को और लगाना होगा, तो काम क्या होगा, सही समय पर समाप्त हो जाएगा, कितना जाएगा यहां से, 6 नंबर डी, ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, यानी 6 व्यक्ति। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, करें एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम समाप्त करने के लिए 30 आदमी को काम पर लगाता है। देखिए 38 दिन में काम खत्म करना है, तो काम कितना व्यक्ति से स्टार्ट किया, 30 व्यक्ति से, ठीक है। करा 25 दिनों के बाद 5 आदमी को और काम पर लगा देने से 1 दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता, ठीक है, कितने दिन बाद काम समाप्त होता। देखिए 38 दिन में समाप्त करने के लिए कितना व्यक्ति काम पर लगाया, 30 आदमी को, लेकिन करा 25 दिनों के बाद 5 आदमी और काम पर लगा दिया, यानी 30 व्यक्ति जो है वो पहले 25 दिन ही काम किया होगा, यानी 38 दिन का काम करना था लेकिन पहले 25 दिन काम करा रहा है, 25 दिन काम करा रहा है कितना व्यक्ति, 30 व्यक्ति, लगाइए 30 व्यक्ति 25 दिन तक काम किया, ये क्या हुआ, कुछ काम हो गया होगा। अब 5 आदमी और काम पर लगा दिया जिससे 1 दिन पहले ही काम समाप्त हो गया, यानी 38 दिन का जो काम करना था उससे 1 दिन पहले ही काम समाप्त हो गया, यानी कितना दिन में हो गया, 37 दिन में हो गया, यानी 38 दिन में 1 दिन पहले ही हो गया, यानी 37 दिन, और 37 दिन में 25 दिन काम हो चुका है, तो अब कितना बचा हुआ, 37 - 25 यानी 12 दिन, तो भाई 5 व्यक्ति और बढ़ गया तो क्या हो गया, 35 व्यक्ति और 12 दिन काम किया, तो काम क्या हुआ, समाप्त, यानी 30 व्यक्ति
25 दिन काम किया है और 35 व्यक्ति 12 दिन काम किया है, दोनों काम जोड़ेंगे टोटल काम, तो क्या हुआ काम समाप्त हो गया। ये क्या निकला टोटल काम निकला, ये क्या निकला टोटल काम, यानी 30 व्यक्ति 25 दिन तक कुछ काम किया था, मैन गुना डे क्या वर्क, ये कुछ काम हुआ, और 35 व्यक्ति 5 व्यक्ति और आ गया और 12 दिन काम किया तो ये भी कुछ काम निकला, ये दोनों काम जोड़ेंगे तो टोटल काम, ठीक है टोटल काम। देखिए 25 और 12 37 दिन, एक दिन पहले ही हो गया ना पांच व्यक्ति बढ़ने के कारण, तो ये हो गया 37 दिन। ये कुल काम बराबर कुल काम लगाइए, करा यदि अतिरिक्त यह आदमी काम पर नहीं लगाए होते तो कितने दिन बाद काम समाप्त होता बताइए, अतिरिक्त आदमी काम नहीं लगाता तो मानते हैं तीसरे व्यक्ति अगर काम करता, तीसरे व्यक्ति पांच व्यक्ति जो अतिरिक्त लगा है वो काम पर नहीं लगाएंगे, तीस व्यक्ति ने पांच आदमी जो यहां बढ़ रहा था अगर वो नहीं बढ़ता, अगर तीसरे व्यक्ति काम करता तो कितना दिन में समाप्त होता, तो मानते हैं एक दिन में काम समाप्त हो जाता, कितना दिन में एक दिन में। तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क लगाइए, देखिए 25 + 75 कितना हो गया यहां से 750 और 35 × 12 420, तो 420 और 750 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1170 बराबर 30x, तो ये काटिए 1010 इसको काटेंगे तो 117 में 3 से भागा देंगे तो कितना देगा 39, यानी x बराबर कितना 39, यानी 39 दिन लगता, यानी 30 व्यक्ति ही सिर्फ काम करता तो कितना दिन में 39 दिन में ही काम होता, लेकिन काम कितना दिन में खत्म करना था 38 दिन में, तो क्या होगा एक दिन बाद काम समाप्त होगा, यानी 39 - 38 कितना दिन एक दिन बाद काम समाप्त होगा, यानी आंसर क्या होगा एक दिन बाद, यानी ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन एक। फिर से समझ लीजिए, कह रहा था 38 दिनों के लिए काम समाप्त करने के लिए 30 व्यक्ति को काम पर लगाता है, 25 दिनों के बाद पांच आदमी और काम पर लगा दिया तो एक दिन पहले ही काम समाप्त हो गया, यानी 25 आदमी पहले 30 दिन काम किया, पांच आदमी और आ गया तो 12 दिन और काम करेगा, तो दोनों मिलकर ये दोनों काम निकला क्या हुआ टोटल काम, काम समाप्त हो गया। अगर अतिरिक्त व्यक्ति काम पांच को नहीं लगाएंगे तो तीसरे व्यक्ति काम पर लगाते हैं तो कितना दिन में समाप्त होता है एक्स दिन में, तो एक्स का मान यहाँ कितना है 39, यानी 39 दिन लगता कितना 30 व्यक्ति 39 दिन लगता, लेकिन काम कितना दिन में करना था 38 दिन में, इसका मतलब एक दिन क्या हो रहा है ज्यादा जा रहा है, काहे ज्यादा जा रहा है काहे कि पांच व्यक्ति काम पर नहीं लगाए, इसलिए पांच व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगा देंगे तब एक दिन पहले ही काम समाप्त होता। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर में है एक ठेकेदार किसी निश्चित कार्य को 9 दिनों में करने के लिए हाथ में लेता है, यानी एक ठेकेदार जो है वो 9 दिन में काम समाप्त करने के लिए अपने हाथ में लिया है, उसने कुछ मजदूर को काम पर लगाया, यानी उसने कुछ मजदूर को काम पर लगाता ठीक है लगाया, किंतु उनमें से 6 प्रथम दिन से ही अनुपस्थित होने से बाकी लोगों ने कार्य 15 दिनों में समाप्त किया, उसके द्वारा लगाए गए कुल मजदूरों की संख्या कितना। तो ये कह रहा है एक ठेकेदार जो है वो 9 दिन में काम समाप्त करने के लिए हाथ में लिया है, अब उसके लिए कुछ मजदूर काम पर लगाया, तो सोचिए अगर ठेकेदार जो है वो एक मजदूर को खोजा होगा और एक मजदूर को काम पर लगा करके 9 दिन में क्या होता काम समाप्त कर देता, तो बताइए काम क्या होता एक गुना 9, लेकिन एक मजदूर को ठीक किया काम करने के लिए, लेकिन 6 मजदूर पहले ही दिन से नहीं आया तो कितना मजदूर आया होगा एक माइनस 6 मजदूर, काम पर लगा कितना एक माइनस 6 मजदूर, जिसके चलते क्या हुआ जब 6 मजदूर काम पर नहीं आया उसके चलते 9 दिन नहीं लगा 15 दिन काम लगा, कितना दिन में हुआ 15 दिन में हुआ, तो ये 15 ये दोनों क्या देगा बराबर, यानी एक मजदूर काम करता तो 9 दिन में करता, लेकिन 6 मजदूर नहीं काम पर किया है तो एक माइनस 6 व्यक्ति काम किया है तो कितना दिन लगा 15 दिन लगा है, तो ये 9 गुना डे ये 9 गुना डे दोनों काम क्या होगा बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9x और 15x, तो 15x में से 9x घटेगा तो कितना देगा 6x, और 15 × 6 = 90, यानी x बराबर कितना देगा 15 × 6 = 90 15, यानी कितना हो जाएगा x का मान 15, यानी पहले व्यक्ति की संख्या कितना था 15 था, यानी कुल मजदूर कितना था 15 को, यहां से ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर ऑप्शन बी, पहले 15 व्यक्ति काम पर लगाता तो 9 दिन में काम समाप्त हो जाता, यानी 15 गुणे 9 कीजिएगा 135,
तो यहाँ 135, अब 6 में दो नहीं आया तो क्या होगा, यहाँ 9 हो गया, तो 15 × 9 यहाँ भी कर देगा 135 बराबर, यानी कुल मजदूर की संख्या करना था 15। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर में है एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया, यानी एक ठेकेदार जो है वो काम को करने के लिए कितना दिन का ठेका लिया है, 124 दिन का ठेका लिया है, यानी बोला कि हम 124 दिन में काम को समाप्त करवा देंगे। उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया, यानी 124 दिन में खत्म करने के लिए काम पर कितना व्यक्ति को लगाया है, 120 व्यक्ति को लगाया है। और 64 दिनों बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है, यानी 124 दिन में काम कराना था लेकिन 64 दिन जब काम हुआ है, यानी 120 व्यक्ति 64 दिन तक काम किया, तो काम देखा कितना भाग, 2/3 भाग हो चुका है, यानी कह सकते हैं 120 व्यक्ति 64 दिन काम किया तो 2/3 भाग काम हो चुका है। अब इधर शेष काम वाला लगाइए, तो भाई 2/3 काम हो गया तो बचा कितना, 1 में से 2/3 भाग घटाएगा तो कितना जाएगा, 1/3, 1/3 काम बचा हुआ है। और ये काम जो है कैसे करता है, देखिए वह कितने व्यक्तियों को हटाकर इन्हें हटाएगा, तो 120 व्यक्ति पहले था तो 120 व्यक्ति में कितना व्यक्ति को हटा दिया होगा, तो मान लीजिए x व्यक्ति को हटा दिया, तो हटाएगा मतलब क्या होगा, माइनस, 120 में से x व्यक्ति निकल गया तो काम सही समय पर समाप्त हो गया, 124 दिन में काम समाप्त हो गया। बताइए 124 दिन में 64 दिन यहाँ काम करा चुके हैं तो काम कितना दिन बचा है, 60 दिन का काम बचा है, 124 में से 64 गया था कितना, 60, यानी दोनों का जगह बराबर 120 × 64, ठीक है, 120 व्यक्ति 64 दिन में 2/3 भाग। अब x व्यक्ति हट गया तो 120 माइनस x व्यक्ति, अब काम कितना दिन का बचा हुआ, 60 दिन का, और कितना काम, 1/3 काम, ये दोनों बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकलेगा यानी हटाए गए व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा, तो देखिए 3 से 3 कट गया, यहां से इसको कटेगा 60 × 120 कट जाएगा, और 2 से 2 ये कट गया, तो ये 64 और 120 घटाइएगा तो x का मान आ जाएगा, यानी कितना जाएगा, 56, कितना जाएगा, 56, यानी 56 व्यक्ति को हटाना पड़ेगा, 56 व्यक्ति को हटाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है एक ठेकेदार एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखा है कि प्रत्येक काम वाले दिन के लिए उसे 75 रुपये दिए जाएंगे, परंतु काम से अनुपस्थित रहने पर उसे मजदूरी से वंचित करने के अतिरिक्त उसकी राशि में से 15 रुपया प्रतिदिन की दर से काट लिया जाएगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को कुल 1140 रुपये दिए, तो मजदूर कितने रुपये कितने दिन काम पर से अनुपस्थित रहा। देखिए ये क्वेश्चन को पहले समझिए, क्या कर रहा है, कह रहा एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार है, ठीक है, और एक मजदूर है, एक ठेकेदार है एक मजदूर है, तो ठेकेदार जो है मजदूर से काम करवाता है, और कैसे काम करवाता है, तो मजदूर पर शर्त रख दिया है, बोला कि अगर एक दिन काम करेगा तुमको 75 रुपये देंगे, यानी मजदूर एक दिन काम करेगा तो 75 रुपया मिलेगा, और बोला अगर तू एक दिन अनुपस्थित रहेगा यानी एक दिन अगर काम नहीं करेगा तो और 15 रुपये तुमको जुर्माना लगेगा, यानी क्या होगा, एक तो तुम्हारा दिन भी नहीं जाएगा और 15 रुपये अलग से तुमको देना पड़ेगा, यानी एक दिन काम करने के बदले 75 रुपये मिलेगा, और एक दिन काम नहीं करेगा तो उसको 15 रुपये दंड देना होगा, किसको, मजदूर को, ठीक है। और कुल 20 दिन तक इसका चला, यानी 20 दिन, तो 20 दिन में टोटल मजदूर को, यानी मजदूर को टोटल कितना दिया है, 1140 रुपये दिया है, तो बताइए वह 20 दिन में, यानी ये 20 दिन में कितना दिन अनुपस्थित रहा होगा, यानी कितना दिन काम नहीं किया होगा, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछा है यहां पर, पहले ध्यान दीजिए क्या पूछा है, अनुपस्थित, तो मान लीजिए कि अनुपस्थित यानी जो मजदूर है वो कितना दिन अनुपस्थित रहा होगा, यानी कितना दिन काम नहीं किया होगा, तो अनुपस्थित मान लीजिए x दिन, कितना दिन, x दिन, अनुपस्थित कितना दिन, x दिन, यानी 20 दिन में x दिन काम नहीं किया है, तो बताइए काम कितना दिन किया होगा, यानी उपस्थित कितना दिन हुआ होगा, तो बताइए उपस्थित कितना हो जाएगा, तो टोटल था समय 20 दिन, 20 दिन में x दिन अनुपस्थित रहा, यानी उपस्थित कितना रहा, 20 माइनस x। अब देखिए
अगर एक दिन उपस्थित रहेगा तो 75 रुपये मिलेगा, यानी एक दिन काम करेगा तो 75 रुपया। तो बताइए उपस्थित कितना दिन रहा, 20 माइनस x दिन, तो 20 माइनस x दिन में कितना रुपया कमाया होगा, तो एक दिन में 75 रुपया, तो 20 माइनस x दिन में कितना रुपया, तो गुना कर लेंगे, ठीक है, 20 माइनस x गुना 75, यानी जितना दिन काम किया है और एक दिन का मजदूरी गुना करेंगे तो निकलेगा टोटल मजदूरी, यानी उतना दिन का मजदूरी। अब एक दिन नहीं काम करेगा तो 15 रुपया उसको देना होगा, यानी जुर्माना लगेगा। तो भाई 15 रुपया एक दिन में जुर्माना लगेगा, तो एक्स दिन नहीं आया तो कितना जुर्माना लगा होगा, एक्स गुना पंद्रह। क्या करेंगे, इतना रुपया कमाया है और इतना रुपया उसको जुर्माना देना पड़ा होगा, तो क्या होगा अंतर घटाएंगे, तो उसको कुल मिलाकर कितना मिला, 1140 रुपया कुल मिलाकर कितना, 1140 रुपया मिला। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का माना जाएगा और एक्स क्या माने थे, अनुपस्थित की संख्या माने थे। देखिए यहां से कीजिएगा तो 75 गुना 2 कितना हो जाएगा, यहां से 150, 75 गुना 2 150 और ये को जीरो 1500 माइनस 75x और यहां से गुना कीजिएगा तो माइनस 15x बराबर 1140। अब देखिए 1500 में से 1140 घटाइए तो 1500 में से 1140 घटेगा तो कितना जाएगा 360 और माइनस 75x और माइनस 15x उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कितना हो जाएगा 90। तो 90x बराबर कितना हो जाएगा यहां से 360, तो x बराबर कितना हो गया 4, 9 चौके 36 4, यानी 4 दिन। तो x क्या माने थे, अनुपस्थित, तो अनुपस्थित कितना दिन रहा, 4 दिन, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सी, कौन सा जाएगा अनुपस्थित, यानी 20 दिन में 4 दिन काम नहीं किया है। अगर पूछता उपस्थित कितना, तो 20 माइनस 4 यानी 16 दिन, 16 दिन उपस्थित और 4 दिन अनुपस्थित। देखिए 16 दिन यानी यहां कीजिएगा 16 गुने 75 और यहां कीजिएगा 4 गुने 15, तो ये सब घटाइएगा दोनों को तो 1140 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे बना लेते हैं इस तरह क्वेश्चन को, ठीक है। इसको एक तरह से और बना सकते हैं बाई ऑप्शन से, हमको क्या पूछा था अनुपस्थित, तो बाई ऑप्शन से ही बना सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं करना एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में बाय ऑप्शन से बना लेंगे।